Welcome guys, in this video I know कि आप बिल्कुल भी ये वीडियो नहीं देखना चाह रहे होंगे और ना ही आपने ये सर्च की थी, लेकिन आपके सामने आ गई है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ जस्ट ओनली वन वीडियो, सिर्फ ये एक वीडियो आपने मेरी देखनी है। अगर आपको अच्छी लगती है देन आई रिकमेंडेड यू कि आप मेरी मजीद वीडियोज़ देखें, अदरवाइज स्किप दिस चैनल एंड सर्च अनदर ऑन यूट्यूब। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है सक्सेसफुल, जो कुछ मेरी भी स्टोरी शामिल है जिसके अंदर सक्सेसफुल जो कामयाबी होती है वो क्या है और कैसे, हाउ टू डू सक्सेस इन योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी में कैसे कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, पहली बात जो इनिशियली मैं आपसे करूँगा कि सक्सेसफुल इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एनीबॉडी, किसी बंदे की भी वो प्रॉपर्टी नहीं है कि कोई बंदा कहे कि भाई मैं ये मेरी जागीर है और मैं ही कामयाब हूँ, कोई और दूसरा बंदा इसको हासिल नहीं कर सकता। इट टोटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, उसकी मिसाल छोटी सी मैं आपके सामने दे रहा हूँ, मेरे पास मोटिवेशन है, मेरे पास कामयाबी के लिए करेजमेंट है, मेरे पास हौसला है और मेरे पास दुआएं हैं। मैं ये कहूँगा तो मेरा सेटअप आपको बता रहा होगा मेरे पास सोर्सेज नहीं है, बट आई हैव करेजमेंट एंड डू समथिंग इन माय लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास हौसला करेजमेंट होना चाहिए जो आपको कामयाब करवा देता है, अदरवाइज कामयाबी किसी की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जो जितने भी बड़े बिजनेसमैन थे, ताहिर जावेद का इंटरव्यू आप ले लो, अनदर बिजनेसमैन इन सक्सेसफुल स्टोरी जो आप देखो किसी की, तो वो बता सकते हैं आपको कि कोई किसी बड़े खानदान से किसी का ताल्लुक नहीं था। मे बी आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक अच्छे खानदान से था तो उनकी पुश्तें कामयाब होती आ रही हैं, बट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी। फिर से कहूँगा तो कामयाबी है क्या चीज़, पहली चीज़ जो यहाँ पे मैं फाइनल करने चाह रहा हूँ वो ये है, कामयाबी जो है वो सिर्फ पैसा कामयाबी नहीं है। ठीक है, ओनली मनी कैश इज़ नॉट अ कामयाबी। ठीक है, कामयाबी ये बिल्कुल भी नहीं है। कामयाबी तो फिर क्या है, कामयाबी खुशहाली, इत्मीनान, सुकून विद मनी, पैसे के साथ, ये फिर कामयाबी है आपकी ज़िंदगी में। एक बंदा जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं है बट उसके पास पैसा है, उसका अपनी बीवी के साथ बच्चों के साथ बिहेवियर ही अच्छा नहीं है, तो मैं नहीं कहता वो बंदा कामयाब है, बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है कि वो बंदा कामयाब है, वो बंदा नाकाम है ज़िंदगी में, जिसके साथ इखलाकी तौर पर रवैया ही अच्छा नहीं है लोगों का, लोगों को वो अब कुछ समझता ही नहीं है, दैट्स इट। ओके, सेकेंडली जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है सिनेमा रूल। ये मैंने अपनी बात अपनी तरफ से एक रूल बनाया, सिनेमा रूल वो क्या है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस तरीके से कि आपका इत्तेफाक हुआ हो अगर सिनेमा में कभी मूवी देखने का, तो यू रियलाइज़ के आप मूवी देख रहे हो, अंधेरा है रूम में और सामने स्क्रीन पे मूवी चल रही है, आपको नहीं पता साथ वाला क्या कर रहा है। ठीक है, मुझे नहीं पता साथ वाला क्या कर रहा है, इस तरफ वाला पीछे वाले क्या कर रहे हैं, मेरा टोटली जो फोकस है वो मूवी के ऊपर होता है। ठीक है, सिनेमा रूल ये कहता है, मैंने बनाया है सिनेमा रूल, वो ये कहता है कि आपने अगर कोई काम करने जा रहे हो, कोई काम है, बिजनेस है, कोई मेरी तरह से यूट्यूब चैनल है या अनदर वर्क, आप कुछ भी करना चाह रहे हो, सबसे पहले आपका जो फोकस है वो सिर्फ अपने काम की तरफ होना चाहिए। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत से बंदे कमेंट करेंगे बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, लानत है इस बंदे पे, ये क्या काम कर रहा है, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो है, बट मैं इसको बिल्कुल भी अपने सर पे नहीं सवार करूँगा, मैं इसको स्पॉइल करूँगा और अपना काम जारी रखूँगा। सिनेमा रूल ये कहता है कि आपको लोग इस बारे में कि अपनी कामयाबी की तरफ जाते वक्त रोकेंगे, बुरा भला कहेंगे, कहेंगे ये कोई अंदाज़ है, ये कोई बात है, ये कोई वीडियो है, ये कोई काम है, बट अगर आपने काम करना है देन आपने सारा कुछ स्पॉइल करना है और अपना काम जारी रखना है। दिस वन इज़ द फर्स्ट रूल कि आपने सबसे पहले लोगों की बातें नहीं सुननी, लोगों की बुराइयां, गलतियां नहीं सुननी, क्योंकि ये लोगों में पता नहीं क्यों आदत पाई जाती है, अगर आप कुछ कर नहीं सकते ना ध्यान आपसे मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप किसी की डीमोटिवेशन भी ना करें। अगर आप मोटिवेशन नहीं कर सकते, डीमोटिवेशन भी हरगिज़ ना करना, कभी भी किसी भी बंदे की। अगर आप मोटिवेशन कर सकते हो देन बहुत अच्छी बात है, आप काम करो, लोगों को जाके हौसला दो, लोगों को करेजमेंट दो। तो तीसरी चीज़ जो मैं यहाँ सक्सेसफुल के लिए डिस्कस करने लगा हूँ वो है दुआ। दुआ ओबियसली आप अच्छा काम करोगे तो दुआ मिलेगी अपने वालदैन से, अजीज़ वकारब से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किसी की मदद करना, हेल्प करना, जज्बा रखना, दिस वन इज़ द वेरी वेरी बिल्कुल सॉफ्ट वे है, आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगी ये, इंशाल्लाह वन डे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। तो तीन चीज़ें आज मैंने डिस्कस की हैं, मेरे पास टाइम शॉर्ट था, तीन चीज़ों की मैंने बात की है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास करेजमेंट हो, और सेकेंडली आपने लोगों की बातें नहीं सुननी, स्पॉइल करना है जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं,
تیسری چیز یہ کہ آپ نے دعا لینی ہے, اچھا کام کرنا ہے اور دعا لینی ہے. لیٹس سے لیٹس گو. اینڈ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے دین سبسکرائب مائی دس چینل اینڈ واچ مائی ویڈیوز. بائی, ٹیک کیئر یو, اللہ حافظ.